कैथल में खुल चुका है जीवनधारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां पर मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बच्चों की हर प्रकार की बीमारी का इलाज। 8 माह से बच्चों को रखने की मशीन, छाती रोग, शुगर का इलाज, बीपी व थायराइड, हर तरह के बुखार का इलाज, सिर दर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ापन का इलाज, लीवर रोग का इलाज, पेट के रोगों का इलाज, हृदय रोग का इलाज, जहर पिए का इलाज, सांप के काटने का इलाज, बिजली का करंट लगने का इलाज, सड़क दुर्घटना में घायल मरीज का इलाज, जले हुए का इलाज आदि उपलब्ध है। छोटे बच्चों को इलाज MBBS व MD डॉक्टर कनिका करेंगी, जो राजेंद्र प्रसाद पटियाला में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जनरल OPD MBBS डॉक्टर साहिल कुमार देखेंगे, जो पार्क अस्पताल करनाल व नोबल अस्पताल हिसार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता तिवारी भी अस्पताल में हर समय तैनात रहेंगी। कुल मिलाकर जीवनधारा अस्पताल में आपको हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज मिलेगा। यहाँ पर दूरबीन द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी रहेगी। यह अस्पताल है पुराने बस स्टैंड के सामने SBI रोड कैथल में। अस्पताल संचालकों का कहना है कि उनका अस्पताल खोलने के पीछे उद्देश्य है कि कैथल जिले व आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, ताकि उन्हें इलाज के लिए किसी बड़े शहर में ना जाना पड़े। अस्पताल में सभी प्रकार की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। कैथल में खुल चुका है जीवनधारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां पर मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बच्चों की हर प्रकार की बीमारी का इलाज। 8 माह से बच्चों को रखने की मशीन, छाती रोग, शुगर का इलाज, बीपी व थायराइड, हर तरह के बुखार का इलाज, सिर दर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ापन का इलाज, लीवर रोग का इलाज, पेट के रोगों का इलाज, हृदय रोग का इलाज, जहर पिए का इलाज, सांप के काटने का इलाज, बिजली का करंट लगने का इलाज, सड़क दुर्घटना में घायल मरीज का इलाज, जले हुए का इलाज आदि उपलब्ध है। छोटे बच्चों को इलाज MBBS व MD डॉक्टर कनिका करेंगी, जो राजेंद्र प्रसाद पटियाला में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जनरल OPD MBBS डॉक्टर साहिल कुमार देखेंगे, जो पार्क अस्पताल करनाल व नोबल अस्पताल हिसार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता तिवारी भी अस्पताल में हर समय तैनात रहेंगी। कुल मिलाकर जीवनधारा अस्पताल में आपको हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज मिलेगा। यहाँ पर दूरबीन द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी रहेगी। यह अस्पताल है पुराने बस स्टैंड के सामने SBI रोड कैथल में। अस्पताल संचालकों का कहना है कि उनका अस्पताल खोलने के पीछे उद्देश्य है कि कैथल जिले व आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, ताकि उन्हें इलाज के लिए किसी बड़े शहर में ना जाना पड़े। अस्पताल में सभी प्रकार की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। कैथल में खुल चुका है जीवनधारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां पर मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बच्चों की हर प्रकार की बीमारी का इलाज। 8 माह से बच्चों को रखने की मशीन, छाती रोग, शुगर का इलाज, बीपी व थायराइड, हर तरह के बुखार का इलाज, सिर दर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ापन का इलाज, लीवर रोग का इलाज, पेट के रोगों का इलाज, हृदय रोग का इलाज, जहर पिए का इलाज, सांप के काटने का इलाज, बिजली का करंट लगने का इलाज, सड़क दुर्घटना में घायल मरीज का इलाज, जले हुए का इलाज आदि उपलब्ध है। छोटे बच्चों को इलाज MBBS व MD डॉक्टर कनिका करेंगी, जो राजेंद्र प्रसाद पटियाला में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जनरल OPD MBBS डॉक्टर साहिल कुमार देखेंगे, जो पार्क अस्पताल करनाल व नोबल अस्पताल हिसार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता तिवारी भी अस्पताल में हर समय तैनात रहेंगी। कुल मिलाकर जीवनधारा अस्पताल में आपको हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज मिलेगा। यहाँ पर दूरबीन द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी रहेगी। यह अस्पताल है पुराने बस स्टैंड के सामने SBI रोड कैथल में। अस्पताल संचालकों का कहना है कि उनका अस्पताल खोलने के पीछे उद्देश्य है कि कैथल जिले व आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, ताकि उन्हें इलाज के लिए किसी बड़े शहर में ना जाना पड़े। अस्पताल में सभी प्रकार की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।